Hello everyone, welcome to my channel Harshaj Academy. In previous lecture we have studied about 7 quality control tools, and under that we have studied Pareto chart and fishbone diagram. Today we are going to see about check sheets. चेक शीट्स में बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट वी हैव टू कलेक्ट द फीडबैक्स ऑफ द कस्टमर. अगर मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में तो मैं उसका पहले फीडबैक लूँगी कि वेदर दैट पर्टिकुलर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट, और वो फीडबैक कलेक्ट करने के बाद मैं उसका एनालिसिस करूँगी यूजिंग द चेक शीट. दिस चेक शीट वी कैन इलेबोरेट विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल. सपोज आई हैव लॉन्च्ड वन मोबाइल इन द मार्केट, एंड वो मोबाइल में सपोज ये तीन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3 डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कैमरा, बैटरी बैकअप एंड वेट ऑफ द फ़ोन. जो मैंने लॉन्च किया है उसका जो वेट है वो ज़्यादा है. अब मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने लॉन्च किया फ़ोन और मैंने देखा कि 100 कस्टमर्स ने जो है वो मेरा जो फ़ोन लॉन्च्ड है वो ख़रीदा है और उन्होंने उसका फीडबैक दिया है. जैसे 100 में से सपोज 12 पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कैमरा, देन इन चेक शीट वी हैव टू डिनोट लाइक दिस. इफ़ द कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, जैसे मैंने 12 बोला तो फर्स्ट कस्टमर, सेकेंड कस्टमर, थर्ड कस्टमर, फोर्थ कस्टमर एंड दिस विल बी योर 5th कस्टमर. दिस 5 कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कैमरा. As I have said, 12 customers are not satisfied, so I have to denote it with this check sheet. So here it will be 10 and 11, 12. So out of 100 customers, 12 customers are not satisfied with the camera. Then again, I have seen from the feedback that some 10 to 11 customers are not satisfied with battery. So here again, I will denote this 5 customers, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, let it be. So 13 customers are not satisfied with battery. And last is weight of the phone. The phone which I have launched, its weight is too much. That phone is too heavy to handle. So the feedback from 100 feedbacks, I have received maximum feedbacks on weight of the phone. Let it be 25 feedbacks I have received. So here the 25 feedbacks I'll denote like this. Here 10, 15, 20 and 25. So out of 100 feedbacks, I have categorized each feedback to each of the defects. अब मैं क्या देखूँगी, इन तीनों defects में सबसे ज़्यादा जो defective है वो है weight of the phone. तो अब मैं चेक शीट में हमको क्या करना पड़ता है, पहले हम इसका काउंट लिखेंगे. जैसे 12 हो गया, ये 13 हो गया और ये हुआ 25. मतलब ये 3 डिफेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो है वेट ऑफ द फ़ोन. तो अब मैं क्या करूँगी, ये पूरा चेक शीट एनालाइज करने के बाद मेरा जो अब क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मुझे करना पड़ेगा. तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में मैं जिसका सबसे ज़्यादा काउंट है चेक शीट के हिसाब से, जैसे ये है, तो मैं वो फ़ोन का जो वेट है वो रिड्यूस करने की कोशिश करूँगी और मैं फिर से वो फ़ोन जो है मार्केट में लॉन्च करूँगी. सो इन दिस वे वी कैन एनालाइज विद डिफेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ दिस चेक शीट. नाउ नेक्स्ट इज़ आर हिस्टोग्राम, दैट इज़ नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल टूल. अब हिस्टोग्राम में जैसे हमने पैरेटो चार्ट में देखा था, पैरेटो चार्ट में हम क्या करते थे, जो डिफेक्ट्स है वो उसका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगाते थे. सेम इन हिस्टोग्राम, अगर मैंने सेम फ़ोन लॉन्च किया और उसमें 4 डिफेक्ट्स है, कैमरा, ब्लूटूथ, मेमोरी एंड वेट ऑफ द फ़ोन, तो अगेन मैं क्या करूँगी, फीडबैक्स कलेक्ट करूँगी, फीडबैक्स के थ्रू मैं एनालिसिस करूँगी और एनालिसिस करने के बाद मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने देखा कि कैमरा का जो फ्रिक्वेंसी है वो 30% है, मतलब 30% पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कैमरा. सेम 35% आर नॉट सेटिस्फाइड विद ब्लूटूथ, then 25% are not satisfied with memory, and last is 40% people are not satisfied with weight of the phone. तो ये हुआ कस्टमर्स का फीडबैक. अब इसमें हम जो क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे हिस्टोग्राम में, जैसे हम पैरेटो चार्ट में देखते थे, पैरेटो चार्ट में क्या होता था, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हम लगाने के बाद जिसका डिफेक्ट सबसे ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, उसको पहले हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते थे. बट इन हिस्टोग्राम इन चारों में से जिसको भी पैसा कम लग रहा है या जो जल्दी मिनिमाइज हो सकता है डिफेक्ट, हम पहले उस पर फोकस करेंगे. सपोज अभी ये 4 डिफेक्ट्स है, इसमें से ब्लूटूथ जो है, ब्लूटूथ इजीली उसका डिफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो सकता है। तो मैं क्या करूँगी, पहले ब्लूटूथ पे फोकस करूँगी, मैं इसका जो डिफेक्ट है वो कम करूँगी एंड अगेन आई रिलॉन्च दी प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। तो बेसिकली हिस्टोग्राम में क्या होता है, बस हमको फ्रिक्वेंसी और जो डिफेक्ट्स है वो ग्राफिकली प्लॉट करने हैं और हमको देखना है कि इन जो 4-5 डिफेक्ट्स है उसमें से हम कौन सा डिफेक्ट इजीली मिनिमाइज कर सकते हैं, उस पर हम पहले फोकस करके पहले वो मिनिमाइज करेंगे। सो दिस इज़ योर अनादर क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। Thank you. Please like and share my videos. Also subscribe to my channel.